हेलो दोस्त, हम आरआरबी भोपाल से बोल रहे हैं। आपका एग्ज़ाम का नोटिस कैंसिल होगा, वो सूचना सोमवार तक आ जाएगा। ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुना? नहीं सुना। वीडियो देखा? देखा ज़रूर होगा। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन आरआरबी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ यूट्यूबर को हर दिन तगड़ा लतार मारता है, फिर भी वही काम करते हैं। तो चलिए, फेज वन का शेड्यूल आ चुका है ग्रुप डी एग्ज़ाम का। ना फ्राइडे, ना सैटरडे, ना डिले, ना लेट। जो आपका 17 तारीख से एग्ज़ाम था वो 17 तारीख से होगा। तीन आरासी का परीक्षा होगा, इसका शेड्यूल भी आ चुका है। 36 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ये भी होगा। आपने ये भी सुना होगा कि 60 दिन तक चलेगा पेपर, पेपर कटिंग में 60 दिन तक चलेगा परीक्षा, और जो बोलेगा वो चैनल अच्छा नहीं है। 36 दिन के अंदर समाप्त होगा पेपर, लगभग लगभग 40 दिन के तो अंदर हो ही जाएगा ग्रुप डी 2022। तो आपके लिए बधाई। और आपने अगर इस चैनल पर जुड़ा है, सारी चीज़ें आपने देखा है, तो ऑफिशियल के नज़दीक आने की कोशिश मेरा है, यानी रेलवे लाइफ का एक ही टारगेट है, नियर अबाउट टू एक्चुअल डाटा। तो चलिए, यहाँ पे डाटा में आएंगे, डिटेल देखेंगे, समझेंगे कैसे मैं कह रहा हूँ कि 36 दिन में परीक्षा खत्म होगा, इसकी भी लॉजिक समझेंगे, और क्या चीज़ें हैं नोटिस उसके बारे में सोचेंगे, सारी चीज़ें ऑफिशियल बात करेंगे, कोई इधर उधर की नहीं। सबसे पहले आएंगे अपने वेबसाइट पे, जिसको बोलते हैं www.railwaylife.com, जिस पे आपको हर चीज़ का खजाना मिलेगा, कटअप से लेके, डाटा से लेके, डिटेल से लेके। तो यहाँ पे नोटिस भी मिलेगा, आपका सारा भी मिलेगा। तो नोटिस अपडेट हो गया है, 5/8/2022 को नोटिस आ गया है। इस नोटिस को प्यार से खोलिएगा, ज़्यादा जोर नहीं लगाइएगा, नहीं तो हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और कॉल रिकॉर्डिंग में आपको कोई और सूचना दे दिया जाए कि आपका एग्ज़ाम ऐसा हो रहा है। मजाक नहीं समझिए, रियल में है। यहाँ पे शेड्यूल आपका आ चुका है, तो यहाँ पे शेड्यूल में आप आएंगे तो शेड्यूल ओपन कर लीजिएगा। रेलवे की वेबसाइट के ही नोटिस है और कोई नकली भी नहीं है। एग्ज़ाम की आपकी फर्स्ट शेड्यूल आ चुकी है 17/8 से 25/8 तक, जिसमें तीन आरआरसी को कवर किया जा रहा है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। अभिभागीय नहीं चैनल पे, अभी ही एनालिसिस शुरू हुआ है, अभी तो हम भूमिका में ही हैं। अब यहाँ पे आएंगे, उसकी आपकी एग्ज़ाम का जो डिटेल आएगा 9/8 को आ जाएगा लिंक का, या इससे पहले आ जाएगा। 9/8 तो लास्ट डेट दिया है, उससे पहले भी आ सकता है, 4 दिन पहले आपका एग्ज़ाम सिटी आ जाएगा। और जो कैंडिडेट ऐसा है, उनके लिए रेलवे हमेशा कहता है कि आप ऐसे लोगों से ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाए, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई पेपर कटिंग पे नहीं जाए। फिर भी आपका मन तो मानेगा नहीं, क्योंकि आपको जल्दी सूचना देखना है, इसलिए। तो यहाँ पे डिटेल आ गया है आपके पास, मिसलीड से बचिए और एक्चुअल डाटा। अब शुरू करते हैं वीडियो, जिनको समझना है, बाकी नोटिस देखने वाले के लिए तो नोटिस है, बाकी आरआरबी का इसके बाद ही होगा। देखिए, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एनालिसिस शुरू होता है यहाँ से। मैं मान लेता हूँ 17/8 से 25/8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितने दिन होते हैं? 9 डे एग्ज़ाम हो रहा है। कितने आरआरबी हो रहा है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसको आप जानते ही हैं, मुख्यात है, जिसको बोलते हैं हम, जिसका हैदराबाद एरिया बोलते हैं। साउथ से ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सॉरी, ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपका हाजीपुर है, साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद है, वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद है, तीनों की है। अब तीनों की एनालिसिस में थोड़ा सा आप चीज़ कह दूँ कि एक लाइन में आपको कहूँ कि तीनों की हम वैकेंसी जोड़ लें, जितना ज़्यादा वैकेंसी का एग्ज़ाम हो जाएगा, लगभग लगभग उतने कैंडिडेट क्लियर होते जाएंगे, ऐसा तो है ना। टोटल वैकेंसी कितने हैं? तो 1,03,769। अब यहाँ पे हम तीनों को जोड़ देते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे का। तो हम दोनों को एक बार ले लेते हैं, जितनी जितनी वैकेंसी है। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कम है, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न का ज़्यादा है। वेस्टर्न का कितनी है? 10,734। साउथ सेंट्रल रेलवे का कितनी है? 9,328, या उल्टा हो सकता है, मैं ऐसे ही डाटा बता रहा हूँ, लेकिन डाटा एक्चुअली टोटल आपको सही मिलेगा। इसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे का 35, 68 या 65, कुछ ऐसा है। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये डाटा आता है 23,625। कितने में से? भागा में 1,300, इतने में से। अगर इसको घटाएंगे तो आपको बचे हुए कैंडिडेट मिलेंगे 80,144।
यानी यहाँ पे देखें 80 और 23 का रेशियो में आप देखें तो 20, अगर 4 से भी गुना करेंगे तो 9 चौके 36, यानी अभी का एग्ज़ाम 23,625 कैंडिडेटों के लिए 17 से लेके 25 तक हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा इसे, 17-8 से लेके 25-8 तक हो रहा है, यानी 9 डे में हो रहा है। तो बचे हुए 80,000 कैंडिडेट को कितने दिन में हो जाएगा? तो 27 दिन से कम में हो जाएगा, क्योंकि तीन गुना से थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट हैं, करीब 4 गुना कैंडिडेट हैं, तो 36 दिन में हो जाएगा। अब लोगों का सवाल आएगा कि 36 दिन में ये 80,000 का होगा। ध्यान दीजिएगा, बीचों का 80 होता है, लेकिन यहाँ पे 23,600 प्लस है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पे ध्यान देने की 80,000, अभी पहला पेपर ये कितने दिन का हो रहा है? 9 दिन का हो रहा है। अब 9 दिन में 3 आरआरबी कवर कर रहा है, एक दिन में 1 आरआरबी हो सकता है और 3 दिन में 1 आरआरबी हो सकता है, सॉरी, लेकिन 3 दिन के 1 आरआरबी आरआरसी कवर हो रहा है। यहाँ पे ये टेस्ट है, पहले टेस्ट किया जा रहा है कितने लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। हो सकता है इस 9 दिनों में 1 या 2 दिन एग्ज़ाम नहीं भी हो, संडे सैटरडे त्यौहार या कुछ और भी कारण हो सकता है। तो इसको अगर देखते हुए अगर चले तो एवरेज मुझे लग रहा है 40 दिन के अंदर, ऐसे तो होता है टोटल अगर देखें तो, टोटल के टोटल अगर देखना चाहें तो 45 दिन बनता है टोटल, अभी के हिसाब से 45 दिन से नीचे, लेकिन मुझे अनुमान है कि ये 45 दिन से कम में परीक्षा होगा। यानी परीक्षा कहने के मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम डेट, जहाँ पे एग्ज़ाम होगा, न कि ये शेड्यूल है, शेड्यूल में पूरा एक दिन ब्रेक हो गया उस दिन का तो एग्ज़ाम काउंट नहीं होगा। तब अब हिसाब लगाइए थोड़ा सा, अगर 9 दिन की बात मैंने पहले भी बोला था तो यहाँ पे 9 दिन में 23,625 के रेशियो में एग्ज़ाम ले रहा है। यानी अगर पूरी वैकेंसी के टर्म में भी देखेंगे जितने लोग अप्लाई किए हैं उसमें से 1/4 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हुआ, 1/5 कह सकते हैं, 4 डायरेक्ट नहीं कहेंगे, 1/5 एग्ज़ाम दिए हुए मिलेंगे 9 दिनों में, यानी टोटल 1.16 करोड़ कैंडिडेट हैं। तो यहाँ कैंडिडेट भी देखेंगे तो 1 करोड़ में से करीब करीब यहाँ पे 20 लाख अगर 5 में करें तो, और 16 में से कीजिएगा तो करीब करीब 3 से 4 लाख, यानी करीब करीब 23,000 वैकेंसी के लिए करीब करीब 23 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हुए हो जाएंगे फर्स्ट फेज में। तो कितने फेज बन सकता है? 5 फेज एग्ज़ाम हो सकता है, और 5 फेज एग्ज़ाम में पूरी एग्ज़ाम कंप्लीट हो सकती है। हो सकता है फेज को बड़ा भी किया जाए, फेज को छोटा भी किया जाए, लेकिन मैं एग्जैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक फेज अगर इतने दिन का यानी 9 डे का, तो 4 फेज और में सारा कंप्लीट हो जाएगा या पहले हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब वैकेंसी की क्राइटेरिया देखिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हमेशा ज़्यादा लोग भरते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे ठीक ठाक वैकेंसी रहती है, लोग भी भरते हैं, वेस्टर्न रेलवे में पिछली बार कई बार डीबी गया था इसलिए यहाँ भी लोग ठीक ठाक फॉर्म भरे होंगे। यानी मैक्सिमम मिला के देखें तो 2 चीज़ें बैलेंस किया है, एक तो कैंडिडेट का बैलेंस किया गया साउथ सेंट्रल रेलवे वाले में, साउथ के जितने कैंडिडेट होंगे या उसके आसपास वाले को होंगे उनको ज़्यादा इंगेज कर लिया जाएगा, इधर ईसीआर वाला में, इधर नॉर्थ में कर लिया जाएगा, वेस्ट वाला में वेस्ट वाला, यानी सभी एरिया से एक एक उठा लिया और यहाँ पे एग्ज़ाम कर लिया। तो अगली भी ऐसे ही एक साइड से नहीं उठ सकता है, यानी हो सकता है एक आपका ईस्टर्न रेलवे उठा ले, फिर एक साउदर्न रेलवे उठा ले, और एक आपका उठा के इधर से कहीं से सेंटर वाला बिलासपुर वगैरह कोई उठा ले, तो ऐसे करके ग्रुपिंग बन रही है। थैंक यू, धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम, हमें लग रहा है कि 36 दिन में मिनिमम और 40 दिन के आसपास मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा सारा। थैंक यू, धन्यवाद।